वो डिजाइन बनाते हैं। तो मेहंदी लगाना, हाथों को जो औरतें लगाती है उसमें कोई भी डिजाइन बनाने को मसला, इसलिए कि मेहंदी जज्ब होकर जिल्द का हिस्सा बन जाती है, जज्ब होकर नाखून का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से ना गुसल में कोई मसला ना जो है वजू में कोई मसला होता है। तो लिहाजा मेहंदी से अगर आप कोई डिजाइन डालते हैं तो दुरुस्त है, लेकिन मेहंदी में भी इतना गुलू है आजकल, पता नहीं क्या क्या केमिकल ला के लगा देते हैं नाखूनों पे, अलग केमिकल यहाँ अलग, नतीजतन किसी की उंगलियां फूट जा रही, किसी को रिएक्शन हो जा रहा, किसी के जिल की बीमारियां हो जा रही। भैया मेहंदी लगाओ मेहंदी, ठीक है, मेहंदी जो है ख्वातीन गौर करें, मेहंदी से आप अगर कोई डिजाइन बनाते हैं, मेहंदी को डार्क करने के लिए आप कुछ मिलाते हैं उसमें, ये भी जायज़ है डार्क, ताकि उसका गहरा रंग है, ऐसे कॉफी मिलाते हैं वगैरह, केमिकल का अवॉइड कीजिए वरना फिर नुकसान होगा। तो लिहाजा मेहंदी से डिजाइन बनाने से इंशाल्लाह इसको नहीं, वो टैटू में उसका शुमार भी नहीं है और वो कोई मसला नहीं। हाँ, डिजाइन टैटू जैसे हो रहे हैं वो मसला नहीं है, लेकिन टैटू मतलब गुंदा जो परमानेंट होता है, जो जिल्द के अंदर एक सुई के जरिए कलर डाला जाता है, जो कभी जिंदगी भर नहीं निकलता है, याद रखिए, वो हराम है, वरना ये मेहंदी के डिजाइन बनाने में इंशाल्लाह कोई खबात और कोई बुराई नहीं।